आज है हम मुंबई की अर्जाइल एजुकेशन कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल नागपाल के साथ, जिन्होंने अभी अबहोली के गुरु नानक इंटरनेशनल एकेडमी के साथ टाई अप किया है। तो सर, अपने बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, ये अर्जाइल एजुकेशन लगभग 10 साल पुरानी कंपनी है और हमने एजुकेशन और टीचिंग फील्ड में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सा काम किया इन 10 सालों में। तो आप इस स्कूल के साथ जो आपका टाई अप हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने पिछले 2 सालों में हरियाणा में बहुत से स्कूल्स विजिट किए और देखा कि इन स्कूल्स में कुछ काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत कुछ करना बाकी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये अच्छी चीजों को रिटेन करते हुए जो नई चीजें लाई जा सकती हैं, जो भारत के बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, यहाँ पर बहुत कुछ नया हो रहा है, विदेशों में बहुत कुछ नया हो रहा है, उन चीजों को लेकर आएंगे ताकि हम इन गांवों में, इन छोटे शहरों में, हरियाणा में हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाए। तो आप ऐसा क्या नया लेकर आ रहे हैं, वो मैं बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने यहाँ पे स्कूल्स विजिट किए तो मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूंगा। एक बच्चे ने मुझे एक बात बोली कि हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश के टीचर हैं वो इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाते हैं। तो शुरू में ये बात मुझे बड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि इन शिक्षकों की गलती नहीं है, यहाँ पर इन्हें उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला है। तो हमारी कंपनी ये स्कूल के टीचर्स को भी ट्रेन करेगी और बच्चों को एक इस तरह का ट्रेनिंग देंगे ताकि वो स्पोकन इंग्लिश में एक अच्छा या इंग्लिश में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। आज की तारीख में बच्चे जब भी इंग्लिश के एग्जाम देते हैं तो उसमें वो लिखने में पढ़ने में ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब भी कहीं उनको खड़े होकर बात करनी होती है तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो हम स्पोकन इंग्लिश पर फोकस रखते हुए बच्चों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे ताकि वो आगे कॉर्पोरेट जगत में जब जाएं या दूसरे देशों में जाएं या हायर स्टडीज के लिए जाएं तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा और आप किस किस चीज पर फोकस करने वाले हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइंस है, साइंस में अब बहुत सी नई चीजें आ रही हैं। हमने देखा कि इंडिया में और इंडिया के बाहर एक 3D लाइव साइंस लैब बहुत प्रचलित है, लेकिन यहाँ हरियाणा में मुझे ये चीज नहीं दिखाई दी। तो ये पहली बार हम इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो 3D साइंस लैब में बच्चों की साइंस की तरफ रुचि और बढ़ेगी और उसमें उनका ध्यान बहुत अच्छा जाएगा, पढ़ाई करने में वो बेहतर रहेंगे। नॉट ओनली दिस, मैं आपको बताता हूँ, रोबोटिक्स और स्पेस साइंस कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों की रुचि बहुत सालों से रही है, लेकिन इस एरिया के स्कूल इस शिक्षा से अपने बच्चों को वंचित रख रहे थे। तो हम रोबोटिक्स और स्पेस साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें बच्चे और अच्छा पढ़ पाएंगे। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, मैथमेटिक्स में हमारे एंशियंट टाइम में वैदिक मैथ्स काफी अच्छा एक टूल था जो मॉडर्न मैथमेटिक्स ने उसको रिप्लेस कर दिया। अब हमने यहां स्कूल में ये मॉडर्न मैथ्स के साथ में एंशियंट साइंस का वैदिक और अबैकस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके हम बेहतर मैथमेटिक्स में टीचिंग करवाएंगे बच्चों की, ताकि वो इसमें और अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आपका फोकस क्या सिर्फ टीचिंग पर ही रहेगा? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हम सिर्फ टीचिंग पर ही नहीं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देंगे। हम एक नई टेक्निक लेकर आ रहे हैं जिसमें प्रॉप बेस्ड फिजिकल एक्टिविटीज उसको कहते हैं। आपको उसके बारे में और जानना हो तो स्कूल में जाकर जरूर देख सकते हैं। ये प्रॉप बेस्ड फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों का मन लगा रहता है, वो खेल खेल में बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है और मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। आप बच्चों के पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि वो आपके स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं? हाँ, देखिए क्या है कि आमतौर पे हम बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बैठ के पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, लेकिन बच्चों का मन लगता है खेलने में। हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाए। तो हम इस स्कूल में वो सारी टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं और मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चे को ये अर्जाइल एजुकेशन द्वारा जो हम स्कूल अब संचालित कर रहे हैं उसमें बच्चे को भेजें और उनको इस नई टेक्निक से जो नया सीखने को मिल रहा है उसमें मदद मिलेगी, उसमें बच्चों को भेजें और उनका चहुमुखी विकास करने में हमारी मदद करें। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।